रिलीज से पहले सभी की फेवरेट बनी अजय की तानाजी अभी तक तो सभी की तारीफें बटोर रही है। स्टार से लेकर इस फिल्म की हर एक चीज की तारीफें लोग करते नहीं थक रहे। लेकिन रिलीज से पहले अजय की फिल्म पर खतरे के बादल भी मंडराने लगे हैं। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले ही तानाजी के मेकर्स को फिल्म की कहानी को लेकर धमकियां मिल रही हैं। महाराष्ट्र के विधायक डॉक्टर जितेंद्र तानाजी के डायरेक्टर का नाम लेते हुए मराठी में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ओम राउत, तुम्हारी फिल्म तानाजी का ट्रेलर देखा, उसमें तुमने कई प्रसंग डाले हैं जो इतिहास में है ही नहीं, उनमें जल्द से जल्द बदलाव करें या फिर मुझे अपने तरीके से मामला देखना पड़ेगा। इसे धमकी समझ रहे हो तो चलेगा। इसके साथ ही सांभाजी ब्रिगेड ने भी तानाजी मालुसरे की लाइफ पर बेस्ड फिल्म पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस संगठन ने ट्रेलर में तीन तरह के सीन पर निर्माताओं से स्पष्टीकरण मांगा है। सांभाजी ब्रिगेड ने काजोल के डायलॉग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ उन्होंने फिल्म में शिवाजी महाराज की तरफ लकड़ी की छड़ी उछालने पर भी घोर आपत्ति जताई है। खैर, अब ये देखना होगा कि इस पूरे बखेड़े की वजह से मेकर्स क्या फैसला लेते हैं। आपका क्या कहना है? क्या सच में आपको भी ट्रेलर देखकर ऐसा ही लगा कि हिस्ट्री फैक्ट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है? जरूर रखिएगा अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट सेक्शन में।